हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये रिकॉर्डेड लेसन है। इसमें हम लोग एजेस के ऊपर और जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मेरा नाम प्रखर है। आई हैव क्लियर यूजीसी नेट 3 टाइम्स 2018, 19 और 20 में विद JRF 99.4% के साथ। मैंने बीटेक प्लस एमबी किया एचआर एंड ऑपरेशंस में। पेपर टू मेरा मैनेजमेंट है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सिर्फ लेस देन 30 डे बचे हुए हैं। अब 30 डेज में मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, तो उसमें अनअकैडमी कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये टाइम जो है उसको रिवीजन में भी देना है, प्रैक्टिस में भी देना है। तो आप रिवीजन कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। आपके जो पेपर वन और पेपर टू बोथ में मिल जाता है ये आपको। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में हो सकता है। स्ट्रक्चर कोर्स पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो, क्लासेस के थ्रू कर सकते हो रिवीजन। और आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्विजेस और लाइव टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आइकॉनिक इसका एडवांस वर्जन है, प्लस का सारा बेनिफिट है। उसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको मिल जाएगा पर्सनल कोच हो गया, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, 1 मंथ 3 मंथ के ऑप्शंस में अवेलेबल अभी है, आप ले सकते हो अगर आप इमीडिएट देख रहे हो अभी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका 12 मंथ्स का। ठीक है, कोड आपको कौन सा यूज करना है, सिंपली आप कोड यूज कर सकते हैं PV10। ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, 6 मंथ और 12 मंथ में आपका आइकॉनिक भी है तो उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 15 सितंबर से पहले लेते हैं तो 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 2 महीने उसमें आपको फ्री मिल जाएगा। सिंपली आपको कोड यूज करना है PV10। ठीक है, और कुछ ही दिनों के अंदर 1 मंथ और 3 मंथ के जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने वाले हैं। जो 1 मंथ का कॉस्ट है वो 2900 से बढ़कर 3190 हो जाएगा। तो इसी तरह का 3 मंथ्स का भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और 6 मंथ 12 और 24 मंथ के आइकॉनिक प्लान्स भी जो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो लेने का तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑफर अभी आपके लिए है। ठीक है, काफी बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, रिवीजन बैचेस, जिनका आप फायदा उठा सकते हैं पेपर वन का और पेपर टू के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द एज ऑफ रमन इज 50% ऑफ करण, हु इज 50% मोर देन सुमित। ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर वन विल बी 68 ईयर्स, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ करण। चलो भाई, इफ द एज ऑफ रमन इज 50% ऑफ करण। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्या है, इफ द एज ऑफ रमन इज 50% ऑफ करण। इफ द एज ऑफ रमन इसको 50% ऑफ, मतलब हाफ कह सकते हैं ना, हाफ ऑफ करण। ठीक है, के से लिख देते हैं सिंपल हम। हु इज 50% मोर देन सुमित, हु इज 50% मोर देन सुमित। सुमित से क्या है, 50% मोर है, तो मतलब क्या हो गया, सुमित अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका, करण प्लस हाफ ऑफ सुमित। ठीक है, 50% से सुमित क्या मोर है करण की एज, नहीं, करण की एज होगी, यहाँ पे होगा करण और ये होगा आपका सुमित। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2R इज इक्वल टू K। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, K इज इक्वल टू 2S प्लस S अपॉन 2, 2K इज इक्वल टू 3S, 2K इज इक्वल टू 3S हो गया आपका, 2K इज इक्वल टू 3S है, और यहां पे K इज इक्वल टू
टू आर है, के इज इक्वल टू टू आर है। अगर रेशियो में देखें तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, के अपॉन आर इज इक्वल टू 2:1, और यहां से क्या आएगा आपका, के अपॉन एस इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, के इज टू आर इज इक्वल टू क्या है आपका 2:1, और के इज टू एस कितना है आपका 3:2। अब क्या के कॉमन है लेकिन अलग अलग है, एलसीएम लेके सब कर दो तो क्या आ जाएगा, रमन करण और सुमित का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:6:4। अब इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 13, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 68। ठीक है, इसमें कितना दे रखा है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, कितना दे रखा है आपका 68। ठीक है, ये दे रखा है 68, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, नहीं आफ्टर 1 ईयर लिखा है ना, आफ्टर 1, तो 3 माइनस भी करोगे, प्रेजेंट एज निकालनी है तो 3 माइनस करेंगे इसमें से -3, तो कितना हो गया आपका 65। तो 13:65 है, तो 1:1 हो जाएगा आपका 5, और किसका निकालना है आपको, करण, करण का क्या है भाई रेशियो, 6:5 जा आपका कितना आ गया 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 63, आउट ऑफ विच वन हैविंग द एज ऑफ 23 ईयर्स ओल्ड एंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू इज 5:3, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन। चलो भाई, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, कि 3 है लोग, मान लो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 63। ठीक है, ए की 23 है, जब मान लो सी क्या है 23 है, तो ए प्लस बी प्लस 23 इज इक्वल टू 63, तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 40, और ए प्लस बी का रेशियो क्या दे रखा है 5:3, तो 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 8, तो 8 क्या है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे वो 40 है, तो 1:1 इस क्या इम्प्लाई करेगा आपका, 1:5, 1:5, तो पहली की एज क्या होगी 5 बाय 25, दूसरे की हो गई आपकी 15 और तीसरे की हो गई आपकी 23, ये 3 हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले का बताना है तो कितना हो गया 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 84 ईयर्स एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 19 ईयर, फाइंड द एज ऑफ एल्डर वन। मतलब ए और बी है, दो हैं, ए इंटू बी करते हो आप तो कितना आता है 84, और ए प्लस बी कर रहे हो तो आप कितना आ रहा है आपका 19। बस इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 19 माइनस बी, अब यहाँ कर दो 19 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 84। ठीक है, और इसमें क्या हो गया है आपका 19 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 84, तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे हम तो बी स्क्वायर माइनस 19 बी प्लस
84, ठीक है। तो इसके 84 के ऐसे फैक्टर जिससे हम लोग का प्लस करने पे माइनस करने पे हमारा 19 आए, तो क्या कर सकते हो, माइनस आप क्या कर सकते हो, 12, 12 7 जा, 12 7 जा कितना होता है 84, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 19, यही चाहिए हमको। तो यहां से करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, क्या आ जाएगा आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका फैक्टर बना के बी हो गया बी स्क्वायर माइनस 12 बी माइनस 7 बी इक्वल टू 84। फिर यहाँ से कॉमन ले लेना, बी हो गया यहाँ से कॉमन बी माइनस 12, यहाँ से 7 कॉमन लोगे आप, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका बी माइनस 7, तो बी माइनस 80 और 12 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया आपका बी माइनस 12 और क्या हो गया आपका बी माइनस 7, तो कितना हो गया, या तो बी इक्वल टू 12 है या तो बी इक्वल टू 7 है, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज हो सकती है, फिर इसमें निकाल के रख लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और दूसरा है 12। एल्डर वन क्या हो जाएगा आपका, बड़ा कौन सा है, 12 साल, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, इफ जय इज 7 ईयर्स यंगर देन टू विजय एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विजय एंड राम इज 5:3, द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 33 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जय। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर विजय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जय प्लस 7, ठीक है, यंगर है ना 7 साल, तो इसमें प्लस कर दोगे 7 तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके आगे, विजय और राम का जो रेशियो है कितना है आपका, 5:3 है। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 33, राम की एज कितनी है 33 है, तो 33 क्या है 3 है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो विजय की एज कितनी हो जाएगी, 5:11 कितना हो जाएगा 55, 55 हो गया। और जय की एज क्या हो जाएगी आपकी, विजय में से जय की एज क्या हो जाएगी, बी माइनस 7, तो इसमें सिर्फ माइनस 7 कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस 7 48, ठीक है, 48 ईयर्स। इफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 20 एंड 32, द रेशियो आफ्टर 15 ईयर्स इज 2:x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 20, 32, ए की कितनी है 20 है और बी की कितनी है 32 है, आफ्टर 15 ईयर्स, प्लस 15 कर दो इसमें, इसमें भी प्लस 15 कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 47, तो ये हो गया आपका 35:47, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 35/47, और कितना दे रखा है, कितना रेशियो हो गया 2:x, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकालोगे आएगा आपका 47, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 47।
ठीक, नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ विशाल इज 32 एंड ध्रुव इज 40 ईयर्स एंड आफ्टर एक्स ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 25 एंड 29, 25 से 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है काफी। क्या बोला है कि अभी विशाल की एज है 32 और नीचे कितना ध्रुव ले लिया 40, उनकी एक्स साल बाद प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना रेशियो बन गया आपका 25/29। बस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, आप कुछ बचा थोड़ा ना इसके अंदर, सॉल्व कर लेना। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स आ जाएगी। 18 ईयर्स इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ अभी इज 55% ऑफ तानिया एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ अभी। इफ द एज ऑफ, ठीक है, डिफरेंस क्या है आपका, ए माइनस बी अगर करो तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अभी इज 55% ऑफ तान्या, मतलब तान्या इंटू 55/100 कर दें तो ये कितना है, अभी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तान्या को टी ले लिया और माइनस टी 55/100 इज इक्वल टू 27, तो 100 इधर चला गया, -55t/100 इक्वल टू 27, ये कितना हो गया, 45t इज इक्वल टू 2700। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, 2700/45, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, आपकी टी की वैल्यू आ गई, यहाँ टी की वैल्यू रख दो आप, तो 2700/45 इंटू 55/100 इज इक्वल टू ए। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 9 ज़ा और ये 15 ज़ा, ठीक है, और ये कितना चला गया 3 ज़ा और ये क्या आपका 5 ज़ा और ये यहाँ से चला गया कितना 11, तो 311 जा 33 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 33 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो आज के बस इतने ही क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए। आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बग्स एंड बाउंड्री के अंदर स्पेशल क्लास हमारी रोज रात में 10:15 पे होती है, तो वहां पे आप हमें मिल सकते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, पोल्स मिल जाता है आपको, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो आप मेरी, ये हम लोग का ग्रुप है, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रखर वर्मा के नाम से आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक कर सकते हो, और अगर क्या नाम है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।